हे द लुईज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हैप्पी फुल मून डे टू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी हनुमान जयंती टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब लोग रिचुअल्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन द ओकेजन ऑफ फुल मून डे, और देखते हैं कि यूनिवर्स का मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरी लवीज आर्मी के लिए एक क्या इंडिकेशन, एक क्या मैसेज है। आप सब लोग सोच रहे होंगे, दी आज बड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, क्या बात है? तो आज सोचा कि ये ब्लेसिंग, या हम बोल सकते हैं आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रोशनी से देखते हैं कि डिवाइन हमसे किस वे में कम्युनिकेट करना चाहती हैं। ध्यान रखें, रीडिंग्स जनरल है, अगर आपको ट्रस्ट है फॉर श्योर हर रीडिंग्स आप रेजोनेट कर पाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मुझे प्यार देना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स और देखते हैं डिवाइन का इंडिकेशन आज फुल मून डे पर। बहुत सारे लोगों ने कल ही बेलीफ रिचुअल कर लिया है तो कोई इशू नहीं है, अगर कल कर लिया है तो आज ना करें, और जिन्होंने कल रिचुअल नहीं करा है तो आज रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी कर लें। उस समय नहीं कर पाते किसी कारणवश तो पूरे दिन में कभी भी कर लेना, बस कर ज़रूर लेना। एक और लास्ट रिमाइंडर, आज रात को 8 बजे मैं स्पेल लेकर आ रही हूँ फॉर योर विश, तो उसको करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को और बताएं इंडिकेशन। डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स को और बताएं एक बहुत प्यारा इंडिकेशन। मेरे को तो ना इतना प्यारा फ्लावर ही बनता हुआ दिख रहा है, सबसे पहले शुरुआत में ही एक बहुत खूबसूरत फ्लावर बनता हुआ दिखते जा रहा है। ओके, चलिए डिवाइन स्टार्ट करते हैं और बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक क्या इंडिकेशन, एक क्या मैसेज आप देना चाहते हैं ये फुल मून। डिवाइन मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें और बताएं कि ये फुल मून उनके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। ओके, गाइड करें डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। ऐसा क्यों फील होता है कि पिछला कुछ समय, या एक हफ्ता ले लो या 4 से 5 दिन ले लो, एक हफ्ता भी नहीं, पिछले 4 से 5 दिन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे ड्रेन दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल ड्रेनेज मुझे आपके अंदर, ड्रेनेज भी नहीं बोलूँगी बट एक इमोशनली बहुत ज़्यादा आप ड्रेन मुझे फील कर रहे हो। अंदर ही अंदर ना एक बहुत उदासी छाई हुई है, और या तो बहुत ज़्यादा आप रोए हो। आज की रीडिंग्स में सबसे पहला इंडिकेशन मुझे डिवाइन का ये दिखा है, पहले तो फ्लावर दिखा, उसके बाद मुझे ये चीज़ दिख रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मेंटली अपने आप को एक माइंड में चीज़ें बना रखिए कि हाँ करना है, बेटर हो सकता है, बेटर होगा। इमोशनली बहुत डाउन हो, इमोशनली चीज़ों को बहुत फील कर रहे हो, और ये अपने आप को ना बहुत मेंटली खुश रखने की भी कोशिश करते हो, लेकिन ये बहुत समझ में आ रहा है आपकी एनर्जीज को देखकर कि अंदर ही अंदर ना एक उदासी, एक अनसेटिस्फैक्शन, एक चीज़ों को लेके बहुत परेशान हो आप। और ये भी मैं क्लियरली बोल सकती हूँ, दैट इज इसका कुछ रीज़न है। ये मुझे कुछ एक ऐसा ब्लॉकेज दिख रहा है आपकी लाइफ में, एक ऐसा कार्मिक प्रॉब्लम दिख रहा है जिसको आप बहुत समय से ही लेकर चल रहे हो, लेकिन उसका हल आई गेस आपको अब तक नहीं मिला है। अगर रेजोनेट कर पा रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसा क्यों फील होता है कि माइंड में ना एक एनर्जी तो है जो बोलती है कि सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ धीरे धीरे बेटर होगा, चीज़ों में बहुत बड़ा, अंदर चीज़ों में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा, लेकिन वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रहा है। कोशिश आप बहुत कर रहे हो, ट्राई आप अपने स्तर से बहुत कर रहे हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स आप बहुत लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो। मुझे यहाँ पर एल दिख चुका है, टी दिख चुका है, यू जे मुझे दिख चुका है। अगर आपका नाम इससे रिलेटेड है तो रीडिंग्स फॉर श्योर आपके लिए। ओ भी मुझे बहुत दिख रहा है, अगर आपका नाम ओ से है तो वो भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हुए दिख रहा है। एस मुझे दिख रहा है, एस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इमोशनली ना बहुत ज़्यादा एक अनहैप्पीनेस फील हो रही है,
उससे बाहर आओ, आप उसको रिलीज़ करो। अपने अंदर का इमोशनल ट्रॉमा आपको रिलीज़ करना पड़ेगा टू रिसीव समथिंग अनएक्सपेक्टेड, टू रिसीव अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। उस ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करो। माइंड आपका रेडी है, माइंड आपका तैयार है, लेकिन इमोशनली ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत जल्दी रो देते हो, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है दिमाग में, बहुत जल्दी चीज़ों को लेकर सोचते हो, अरे यार फिर वही चीज़ें, फिर वही बातें। ये फुल मून क्या डिवाइन इंडिकेशन दे रहा है, ये फुल मून क्या एक इंडिकेशन दे रहा है, डिवाइन गाइड करें, ये फुल मून क्या एक इंडिकेशन दे रहा है, ये फुल मून क्या एक इंडिकेशन दे रहा है यूनिवर्स। इस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश करो टू रिसीव समथिंग ब्यूटिफुल, टू रिसीव समथिंग फेवरेबल इन योर लाइफ। आप में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इससे बाहर निकल भी रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो, अपनी अलग अलग विश के लिए, अपनी अलग अलग इच्छाओं के लिए भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, ये चीज़ मुझे क्लियरली समझ में आ रही है। लेकिन इमोशनली थोड़ा ना दिक्कत है लाइफ में ना, ये जो इमोशनल प्रॉब्लम या इमोशनल इशू आप फेस कर रहे हो ना, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से ख़त्म होगा और आप इससे बहुत अच्छे तरीके से बाहर आओगे। ऐसा फील होता है दैट इज़ यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन द थिंग्स, बट आपको जहाँ सामने से चीज़ें मिलनी चाहिए, जहाँ से सामने से एक अंतर दिखना चाहिए, वो आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे दिखेगा, वो धीरे धीरे ये फुल मून आपकी लाइफ में एक बड़ी ब्लेसिंग के फॉर्म में चीज़ों को बेटर बनाने की कोशिश करेगा। ये फुल मून दो चीज़ों का ध्यान रखें, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, ज़्यादा अपसेट ना हो। और आज ये चीज़ सुबह भी आई थी, जब मैंने सुबह रीडिंग्स करी थी, ये चीज़ आज भी आई थी, नहीं कल आई थी, कल जब फुल मून का हमने मैसेज निकाला था तब भी ये चीज़ आया था कि अंदर ही अंदर आप बहुत अपसेट हो। और देखो आज ये सेम चीज़ फिर से आ गई, तो इसका कुछ ना कुछ क्लियर इंडिकेशन है व्यूअर्स आपके लिए, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली एग्जॉस्ट मत हो, चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। एक अच्छा ब्यूटीफुल फ्लावर लाइफ में आप फ्यूचर में आते हुए मुझे दिख रहा है, भले वो धीरे धीरे होगा बट वो होगा ज़रूर। टी भी यहाँ पर बन रहा है, टी भी बन रहा है, अगर आपका नाम टी से है इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन फॉर यू। अगर नाम टी से है तो ये बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। डिवाइन मेरे व्यूअर्स की हेल्प करें, उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालें। डिवाइन मेरे व्यूअर्स की हेल्प करें, मेरे व्यूअर्स की हेल्प करें। डिवाइन कोई भी गलती हुई है तो उन्हें ज़रूर माफ़ करें, लेकिन उनकी ज़रूर हेल्प करें, क्योंकि मुझे पता है ये इमोशनल ट्रॉमा जो अभी आप फेस कर रहे हो, ये जो इमोशनल ट्रॉमा आपको दिख रहा है आँखों के सामने, इससे कहीं ना कहीं आप भी बाहर आना चाहते हो, इससे कहीं ना कहीं आप भी निकलना चाहते हो, लेकिन आप कितना भी बाहर आने की कोशिश करते हो ना, फिर उसी जगह पर जाकर बैठ जाते हो, तो वो चीज़ थोड़ा ना माइंड को नेगेटिव बना देती है। बट आई फील यू विल सी सम बेटरमेंट इन द कमिंग टाइम। अगले 15 डेज में किसी प्रकार का देख लेना ड्रास्टिक चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल लाइफ। कोई अच्छा डिसीजन बनाओगे आप और इससे बाहर निकलोगे, क्योंकि आज ही सबसे बड़ा संकेत तो आपके लिए आ गया है कि आपको इससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। और अभी निकलेंगे तो लाइफ में आगे कुछ अच्छी नई ब्लेसिंग्स पर भी फोकस कर पाओगे। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को बताएं, मेरे व्यूअर्स को बताएं, किसी न किसी वे में आप उनको ज़रूर साइन दें। डिवाइन जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी ये वीडियो जिसके पास भी आज ये वीडियो पहुंचा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी न किसी वे में आप खुद उनको साइन दिखाएं और बताएं कि उनके लिए क्या सही है। क्योंकि कभी कभार ऐसा लगता है आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे चीज़ों पर कैसे ट्रस्ट करना चाहिए, चीज़ों को कैसे बेटर करना चाहिए। लेकिन ऐसा फील होता है कि जो आने वाला टाइम होगा ये फेवरेबल बनेगा, फॉर श्योर फेवरेबल बनेगा। हेल्प भी आपको मिलेगी, और हेल्प तो हमेशा मिलती हुई आती है, किसी न किसी वे में आपको एक सिग्नल, एक साइन मिलता है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स की ज़रूर हेल्प करें, भले वो ड्रीम के फॉर्म में करें, सपनों में उनको कोई इंडिकेशन दिखाएं, लेकिन एक इंडिकेशन ज़रूर दिखाएं। डिवाइन तो सी द फ्लेम, ज़रूर इंडिकेशन दें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को ज़रूर इंडिकेशन दें, जिससे कि वो जो ये ट्रॉमा फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, इससे बहुत जल्दी बाहर आ सके। ओके सो आज की रीडिंग्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स आप लोगों के लिए दिखे हैं,
पहली चीज़ तो ये समझ में आ रहा है कि अभी एक बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा से आप लोग गुजर रहे हो, दिमाग में चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। नंबर सेकंड, ये भी समझ में आ रहा है दैट इज़ किसी ना किसी वे में आपको यहाँ से बाहर निकलना है, इस इमोशनल जर्नी से बाहर निकलना है। अपसेट अनहैप्पी रोना नहीं है। नंबर थ्री, ये भी समझ में आ रहा है दैट इज़ कहीं ना कहीं अब डिवाइन आपको इंडिकेशंस देंगे, वो ड्रीम्स के फॉर्म में देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। लेकिन फ्लावर भी मेरे को दिखाता, अगर आपको किसी प्रकार का बहुत खूबसूरत फ्लावर दिखता है, यू नो सन फ्लावर जैसा, क्योंकि वो बहुत ना बहुत बहुत गोल था। देखो हार्ट भी बना है, देखा है आप सबको, कैन यू सी अ हार्ट? तो चिंता मत करो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, धीरे धीरे होगा, पर होगा ज़रूर। ये देखो यहाँ पे है हार्ट, अगर आप देख पा रहे हो तो। लव इश्यूज़ बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होंगे, चिंता मत करो, बस सिचुएशन को टाइम दो, और जैसी प्रॉब्लम अभी चल रही है धीरे धीरे फॉर श्योर वो सॉर्ट होगी, बदलाव अंतर आप देखोगे। अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, अगर आप किसी भी प्रकार की मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो, इमोशनली पूछोगे दीदी कौन सी टेक्निक करना चाहिए अपने इमोशनल ट्रॉमा को ख़त्म करने के लिए, वाटर थेरेपी कर सकते हो, अफर्मेशंस बोल सकते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, बहुत जल्दी रोने लग जाते हो, तो व्हाट इफ़ टेक्निक भी कर सकते हो। इन तीनों के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इजीली मिल जाएंगे। हैप्पी फुल मून डे टू ऑल ऑफ़ यू। अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद आती है तो ज़रूर बताएं, ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। रीडिंग्स को रेजोनेट कर पाए तो मुझे ज़रूर बताना, क्लेम ज़रूर करना। आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग वेरी मैजिकल इन नेक्स्ट 15 डेज। राधे राधे।